आप भी OTG का मतलब अपने मोबाइल में नहीं समझते हैं। OTG क्या है, आपको OTG के कुछ फ़ायदे बता देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ OTG को कैसे आप अपने मोबाइल में ऑन कर सकते हैं। चलो OTG का मतलब आज हम जानते हैं। OTG अगर आपको अपनी सेटिंग में नहीं मिल रहा है तो वो बताऊँगा कैसे ऑन करना है, कैसे इसके यूज़ हैं और फ़ायदे हैं। OTG एक ऑप्शन है अपने मोबाइल में, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, जिससे आप अगर आपका मोबाइल मतलब आपके मोबाइल से लैपटॉप से कोई भी फ़ोटो आपके ट्रांजेक्शन कर मतलब ट्रांसलेट करना है अपने मोबाइल से, या फिर लैपटॉप से आपके मोबाइल में लेने हैं, या फिर मोबाइल से लैपटॉप में फ़ोटो लेने हैं, तो आप OTG को ऑन करके अपने मोबाइल से लैपटॉप में फ़ोटो सेंड कर सकते हो, या फिर लैपटॉप के फ़ोटो आपके मोबाइल में ले सकते हो। OTG से आप फ़ोटो, वीडियो या फिर कोई भी कैमरा आपने लगाया हुआ है घर पे या फिर दुकान पे, तो आपका उस कैमरे को आप अपने हिसाब से उसे मूव कर सकते हो, उसके फ़ोटो वीडियो देख सकते हो एनी टाइम, कभी भी आपके मतलब क्या हो रहे हैं। जैसे कि आपको लग रहा है यार कि आपने घर पे कैमरा लगाए हुए हैं, आपको देखना चाहते हैं कि आप पर क्या हो रहा है, क्या नहीं चल रहे हैं, कौन आया कौन नहीं आया, तो आप OTG को ऑन करके अपने कैमरे को कंट्रोल कर सकते हो और देख सकते हो क्या हो रहा है, फ़ोटो वीडियो जो भी हैं आप सो सारा देख पाएंगे OTG की मदद से। OTG की मदद से आप अपने मोबाइल से किसी दूसरे मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं, मतलब एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को मोबाइल से ही चार्ज किया जा सकता है, ये भी अपने OTG से होता है। OTG से और भी फायदे बताऊँ तो जैसे कि आप कोई भी वीडियो बना रहे हैं, जैसे कि आप कोई भी वीडियो बना रहे हैं, जैसे कि आपका कॉमेडी वीडियो बना रहे हैं या फिर ब्लॉगिंग वीडियो बना, कोई भी वीडियो आप शूट कर रहे हैं अपने मोबाइल से, आपकी स्टोरेज भर चुकी है, आपकी स्टोरेज भरने के बाद भी आपका OTG अगर ऑन रहता है तो आपका वीडियो नहीं रुकेगा, वो कम्प्लीटली भर मतलब पूरा बनने के बाद ही रुकेगा, ठीक है। OTG ऑफ रहता है तो आप वीडियो बनाते हो तो स्टोरेज फुल होती है, आपका वीडियो कट हो जाता है वहाँ से और आप वीडियो नहीं बना पाते, ठीक है। तो OTG के कुछ यही फायदे थे, चलो बताता हूँ किस तरीके से OTG को ऑन करना है। उसके लिए आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में इस तरीके से आ जाना है। यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलती है जो एडिशनल सेटिंग करके एक ऑप्शन मिलता है, तो इस पर क्लिक करना दोस्तों, या आपको सबसे नीचे यहाँ पर मिल जाएगी, आप ढूंढना, अगर नहीं मिलती है तो सर्च बार में आपको एडिशनल सेटिंग लिखना, आपको ये मिल जाएगा सबसे ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे, सबसे लास्ट में देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है OTG करके, एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, देखो OTG कनेक्शन, ठीक है। इससे आपको डिसेबल रहेगा तो इनेबल कर देना है, 10 मिनट के अंदर अंदर OTG को कनेक्ट कर लेना है, अगर नहीं होता है यहाँ ऑटोमेटिक टर्न ऑफ हो जाता है, OTG को यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है दोस्तों। इस तरीके से आप अपने मोबाइल में OTG का यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल तरीके हैं इसके, तो काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा ये ऑप्शन, अगर आप इसका ऑप्शन का यूज़ अगर आप करना चाहते हैं तो काफ़ी फायदे जो मैंने आपको बताए हैं। वैसे वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे वीडियो के लिए।